अच्छा है, लॉकडाउन के दौरान आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं सबसे पहले, वो ये कि कागिसो राबाडा, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन चारों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन चीज़ है जो चारों में है? भाई आप भी सोच रहे होंगे यार ये कैसा सवाल है, इसमें ना तो कोई एक देश का खिलाड़ी है, कई देशों के खिलाड़ी हैं ये, और इनमें तीन बल्लेबाज हैं, एक गेंदबाज है, और अगर आप इसका संबंध आईपीएल से देखें तो इसमें भी तीन खिलाड़ियों का संबंध ज़रूर कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल से है, लेकिन विराट कोहली का संबंध दिल्ली कैपिटल से नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती का लिंक बना सकते हैं क्योंकि विराट कोहली दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दिल्ली को आप कॉमन कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। जी हाँ, इनमें सब में सबसे ज़्यादा कॉमन बात जो इन चारों खिलाड़ियों में है वो ये कि आजकल ये चारों लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं और चारों लूडो का गेम खेलते हैं। जी हाँ, चारों लूडो खेलने में बहुत व्यस्त रहते हैं, घंटों निकाल देते हैं इसी खेल के अंदर। तो लूडो का खेल मैं वैसे बता दूँ आपको कि भारत में मुगलकालीन समय में बहुत पॉपुलर था और अकबर ने इसको बहुत ही पॉपुलर किया। अकबर के समय में जनजीवन जो है वो बहुत व्यस्त रहता था खाली समय में लूडो का खेल खेलने में, और 1896 में इंग्लैंड में इसे मॉडिफाई रूप में रखा गया और उसके बाद वो दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हो गया। इतना ही नहीं, ये चार खिलाड़ियों का तो मैंने जिक्र किया क्रिकेट से जो जुड़े हुए हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी इन दिनों बहुत व्यस्त है। जी हाँ, कोई तैयारी नहीं कर रही, ना बॉलिंग कर रही है, ना बैटिंग कर रही है, ना फील्डिंग कर रही हैं, घर में हैं और घर में वो लूडो का लुत्फ उठा रही हैं, ऑनलाइन लूडो का। जी हाँ, स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम की जो सलामी बल्लेबाज हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि सभी खिलाड़ी बहुत व्यस्त रहती हैं और वो तो आजकल 10 घंटे सोती हैं कम से कम, और कुकिंग करती हैं, अपने माँ के कामों में हाथ बटाती हैं, और इससे जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो लूडो खेलना नहीं भूलती अपनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के साथ ऑनलाइन। जी हाँ, ये है कुछ नायाब तरीके जो खिलाड़ियों ने निकाल लिए हैं खाली समय में। और आप खाली समय में क्या करते हैं, अपनी राय से हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या करते हैं और कितना क्रिएटिव हैं आजकल आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।